state whether the treatment done by the company is correct or not as per the relevant AS. ये actually क्या किया? ये उसको नाम दे दिया claim against the company not acknowledged as debt. वो उसको claim बोल के record कर दिया, debt बोल debt नहीं है, ये claim है. पर एंड द सेम हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और वो उसको इस नाम से नीचे डिस्क्लोज कर दिया, नीचे लिख दिया नोट्स टू अकाउंट्स में कि ये क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट है. तो इसका अब मतलब ये अकाउंट्स के अंदर भी रिकॉर्ड हो सकता था प्रोविजन बोलकर, और नीचे ये नोट्स टू अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट बोलकर. तो क्या उसने ये ठीक किया है? एज पर ईएस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रूडेंस इज अ मेजर कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. एएस 1 बोलता है कोई भी चीज का प्रूडेंस पे ध्यान रखना होगा. प्रूडेंस मतलब अगर हमको फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो हम उसको अभी से रिकॉर्ड कर लेंगे, पर प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो प्रूडेंस एक मेजर कंसिडरेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इस चैप्टर का. तो इफ अकाउंटिंग इज नहीं, हाँ तो ये क्या किया उसको तो अगर वो करेक्ट किया है कि रॉन्ग किया है ये यहाँ पे अगर सोचना है तो हम लोग लिखेंगे वो करेक्ट किया है, वो डिस्क्लोजर तो किया ही है. अब वो उसको अकाउंट्स के अंदर करे, हम लोग क्या बोले थे कि अगर उसको लगता है ये मटेरियल है तो अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करे, अगर उसको लगता है मटेरियल नहीं है तो वो इसको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दे दे. पर ये डिस्क्लोज तो किया है, तो डिस्क्लोजर एक इम्पोर्टेंट, डिस्क्लोजर का एएस में प्रूडेंस एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन था जिसमें ये सेलेक्ट कर सकता है एप्लीकेट की कैसे इसको दिखाना है. तो ये उसको अकाउंट के अंदर नहीं है दिखाया, ये इसको अपना नीचे लिख के दिखाया, पर दिखाया डिस्क्लोज किया, तो ये एएस को ब्रेक नहीं किया तो वो सही किया. ऊपर जो आईसीडी वर्ड का आईसीडी बोल रहा था उसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखवा दिए थे, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. तो ये इसका फुल फॉर्म है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आईसीडी का फुल फॉर्म है. नेक्स्ट इससे ट्रू फॉल्स एक पूछा था कि इफ फंडामेंटल्स अकाउंटिंग अजम्पशन आर नॉट फॉलोड इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड. अभी हम ऊपर क्या बोले थे, जो भी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अगर कोई अक्रूअल मेथड फॉलो कर रहा है, इस तरीके का कोई भी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है उसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं तब डिस्क्लोजर का जरूरत नहीं है. कि हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो है ही, मतलब गोइंग हम लोग का बिजनेस तो कंटिन्यूअसली चलेगा ही, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है अलग से. पर अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, हम अभी से सोच लिए कि हम 5 ईयर्स ही बिजनेस करेंगे उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, तो मेरे को ये फिर बोलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हम गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अजम्पशन अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमको फिर अलग से बोलना पड़ेगा. पर इसमें बोल रहा है कि अगर फॉलो नहीं भी करेंगे तब भी बोलना नहीं पड़ेगा, तो ये फॉल्स है. इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आर नॉट फॉलोड देन इट शुड बी डिस्क्लोज स्पेसिफिकली, तब तो बोलना पड़ेगा कि हम लोग अजम्पशन को फॉलो नहीं करते हैं. इसके बाद बोल रहा है ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर हम लोग कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट करते हैं मतलब बिजनेस में लेते हैं तो क्या उसको हम लोगों को बताना पड़ेगा, मतलब ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाता है. कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही है, ये तो फिक्स्ड ही बात है. अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये तो ट्रू है ही. उसके बाद बोल रहा है एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड. बोल रहा है अगर कोई मटेरियल इफेक्ट, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट चीज हुआ है तो वो हम लोगों को दिखाना ही पड़ेगा. वेयर द अमाउंट बाय विच ऑफ एनी आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय चेंज इज नॉट एसर्टेबल. पर हम लोग उसका अमाउंट को एसर्टेन नहीं कर पा रहे हैं. तो अगर हम लिखे थे ऊपर कि अगर कोई मटेरियल फैक्ट है तो हम लोगों को उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होगा, और अगर कोई मटेरियल फैक्ट नहीं है फिर भी उसको डिस्क्लोज करना होगा पर नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में. ऊपर नहीं भी लिखेंगे अकाउंट्स के अंदर तो चलेगा, पर अगर किसी चीज का अमाउंट एसर्टन नहीं कर पा रहे हैं
मतलब हम लोगों को नहीं पता है, जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का हम लोग अमाउंट एसर्टन नहीं कर पाते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? जो ऐसा लाइबिलिटी जो पे करना है या नहीं अभी कंफर्म नहीं है। तो अगर कोई ऐसा अमाउंट है, मतलब ऐसा लाइबिलिटी है या ऐसा एसेट है जिसको अभी से हम लोग एसर्टन नहीं कर सकते कितना होगा फ्यूचर में, वो अभी से नहीं बता सकते, तो फिर हम लोग उसको अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, नीचे डिस्क्लोज करते हैं, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो बोल रहा है कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है जिसका मटेरियल इफेक्ट है वो डिस्क्लोज करना ही होगा। अगर उसका अमाउंट पता नहीं है फिर भी उसको डिस्क्लोज करना होगा। वेयर द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच अमाउंट इज नॉट एसर्टेबल, मतलब अमाउंट का नहीं पता है, एसर्टन नहीं है, होली और पार्टली द फैक्ट नीड नॉट बी इंडिकेटेड, द फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेटेड, तो उसको नहीं बताएंगे। मतलब कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है या कोई कंटिंजेंट एसेट है जिसका अमाउंट एसर्टन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको फिर लिखेंगे ही नहीं, उसको बताना जरूरी नहीं है। फॉल्स, द फैक्ट नीड टू बी इंडिकेटेड, फैक्ट को तो बताना पड़ेगा नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में, कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो या कंटिंजेंट एसेट हो उसको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में तो बताना पड़ेगा कि इतने अमाउंट का कंटिंजेंट लाइबिलिटी है हमारा।